गंभीर बीमारियों में से एक है जो हमें मौत की ओर ले जाता है। इसका इलाज जानने से पहले हमें डेंगू जिन कारणों से होता है उनकी जानकारी होनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट हमें डेंगू के लक्षण भी पता होने चाहिए, जिससे कि हमारे आसपास अगर कोई डेंगू का पेशेंट है तो उसके इलाज में देरी ना हो और हम इजीली डेंगू की पहचान कर पाएं। दरअसल डेंगू वायरस डेंगू रोग होने का एकमात्र स्रोत है। डेंगू वायरस मच्छरों के काटने से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। एडीज एजिप्टी नामक मच्छरों की प्रजाति जब हमें काटती है तो डेंगू का वायरस हमारे शरीर में चला जाता है। डेंगू के लिए जिम्मेदार डेंगू वायरस होता है। इसके सिम्टम्स में उल्टियों का एहसास, सिरदर्द, बुखार, आंखों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, हड्डियों और मांसपेशियों के कारण पूरी बॉडी में हलचल, बेचैनी, ये मुख्य लक्षण हैं। अगर किसी पेशेंट को ये लक्षण है तो समझ जाना चाहिए कि वह पेशेंट डेंगू का है। आगे हम बात करेंगे डेंगू के घरेलू इलाज के बारे में जो 100% कारगर है। अगर इनका यूज सख्ती से किया जाए तो डेंगू रोगी डेंगू से कम्प्लीटली निजात पा सकते हैं। जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो घरेलू नुस्खों की अगर हम बात करें तो पहला है बकरी का दूध। बकरी का ताज़ा दूध को गिलास में लेकर पी जाएं या फिर बकरी के दूध को अच्छी तरह से उबाल कर फिर पीने जितना ठंडा होने तक रुके रहें और फिर पी लें। बकरी का दूध नियमित रूप से दिन में कम से कम 2 बार जरूर पिएं। यह डेंगू को ठीक करने में बेहद सहायक होगा। बकरी के दूध का नियमित रूप से सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और यह पचने में बेहद आसान होता है। घरेलू उपचार डेंगू के प्रभावी और बेहतरीन उपायों में से एक है। घर पर डेंगू के इलाज के लिए इसका रोजाना सख्ती से पालन जरूर करें। दूसरा है तुलसी के पत्ते, काली मिर्ची और पानी। काली मिर्ची के कुछ कलियों के साथ तुलसी के कुछ पत्ते लें और उन्हें एक कटोरी या एक गिलास पानी में डालकर उबाल लें और तब तक उबालें जब तक पानी पहले का आधा ना हो जाए। इसमें आप स्वादानुसार काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। इस मिश्रण को ठंडा करके 3-4 बार पिएं। यह उपाय शरीर और जोड़ों के दर्द को प्रभावी ढंग से कम करता है। इसका नियमित रूप से पालन करें तो आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। नंबर 3 है नारियल का पानी। डेंगू से पूरी तरह राहत मिलने तक डेंगू रोगी को दिन में 2 गिलास नारियल का पानी जरूर पिलाएं। यह शरीर पर डेंगू के प्रभाव को कम करता है। नंबर 4 है मेथी के पत्ते और पानी। मेथी के पौधों की कुछ पत्तियां लेकर उन्हें एक कटोरी या एक गिलास पानी में अच्छी तरह से उबालकर पानी को छानकर गुनगुना पानी पी लें। इस मिश्रण को दिन में 1 या 2 बार पिए। यह उपाय बॉडी पर डेंगू के प्रभाव को कम कर देता है। नंबर 5 है गिलोय, तुलसी के पत्ते और पानी। तुलसी के कुछ पत्तों के साथ गिलोय का एक तना लें और उसे छोटा छोटा काट कर और एक गिलास या एक कटोरी पानी में 10 से 15 मिनट तक उबालें, फिर उसे ठंडा कर लें। इस मिश्रण को दिन में नियमित रूप से 2 से 3 बार पीने से डेंगू से छुटकारा मिलता है। ये सबसे कारगर और भरोसेमंद उपाय है। नंबर 6 चुकंदर का रस और गाजर का रस। गाजर का रस गिलास में निकालें और कुछ चम्मच चुकंदर का रस लें और इसे 1/4 गिलास गाजर के रस में अच्छी तरह से मिला लें। इस जूस को दिन में कई बार पिएं। यह जूस हमारे ब्लड सेल्स को डेंगू वायरस से बचाता है और एनर्जी देता है। यह भी एक बेहतरीन घरेलू उपचार है। इसका नियमित रूप से पालन करें, आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। नंबर 7 है लाल फल। लाल फलों जैसे स्ट्रॉबेरी, अनार आदि का सेवन करें। लाल फलों का सेवन रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है। डेंगू के लिए यह घरेलू उपचार भी प्रभावी और बेहतरीन घरेलू उपायों में से एक है। 8वां है पपीते के पत्ते और पानी। पपीते की पत्तियों को कूटकर उनका रस निकालकर उनमें लौंग, काली मिर्ची, काला नमक मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें या पपीते की कुछ पत्तियों को एक कटोरी या एक गिलास पानी में 10 मिनट तक उबालकर ठंडा करके पानी को गिलास में रख लें और इसे दिन भर में 2 बार नियमित रूप से जरूर पिएं। यह डेंगू रोगी की बॉडी पर बहुत तेजी से डेंगू से निजात दिलाने में मदद करता है। वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। धन्यवाद।